Good evening, Amul, and this is Chef Vimal Dhar from the platform of Amul India. Hamara Taste of India, Choice of India, Jaan Ban Gaya India Ki. Aur kai saalon se, I mean, through the lockdown, during the lockdown, humne jo ye initiative liya Amul ne, aur hum sab isme jo associated hain. Congratulations to all of them. And a good learning is happening throughout so far. Every time, every day, every evening, morning, and we are looking at some very beautiful, good recipes on the platform of Amul, from the houses of home chefs to the celebrity chefs to master chefs to the students who are the new budding chefs in the industry. Everyone is trying their hands on beautiful products of Amul. Amul has beautiful cottage cheese, पनीर जिसको हम कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स अमूल के पास हैं. अभी कुछ नए सॉसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, चीज़ सॉस इंट्रोड्यूस किया ग्रीन चटनी का, तो उसका आज मैं मेरी रेसिपी के अंदर यूज़ करने वाला हूँ. सो हाय गाइस, दिस इज़ शेफ विमल धर फ्रॉम उदयपुर इंडिया, और मैं आपके साथ आज कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करूँगा. डेफिनेटली डू वॉच माई यूट्यूब बाय द नेम शेफ विमल धर, जो मैंने क्वारंटाइन में बनाया था. माई रेसिपीज आर सिंपल, इनोवेटिव एंड वेरी क्लासी. जिनको बेसिक से कुछ अलग करने की इच्छा हो, वो डेफिनेटली मेरी रेसिपीज़ को देखें और उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज दैट गिव्स अ मोटिवेशन टू डू समथिंग न्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. लास्ट कुछ मैंने चीज़ें की थी जिसमें कमल ककड़ी को मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया था. आज मेरे पास बटनट स्क्वॉश है, जिसको हम हिंदी में कद्दू कहते हैं, लाल वाला कद्दू हमारा. तो इसके हम जनरली जो स्टेक्स होते हैं वो होते हैं मटन, चिकन और फिश के भी स्टेक्स होते हैं बना दिए गए, लेकिन शाकाहारी लोग क्या करें, वो भी तो स्टेक खा सकते हैं. तो आज हम बहुत डिफरेंट स्टाइल से कद्दू के स्टेक्स बनाएंगे और कॉटेज चीज़ को हम यूज़ करेंगे. जो कॉटेज चीज़ क्यूब्स हैं उनका हम यूज़ करने वाले हैं इस स्टेक के अंदर. हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं, मैंडोलिन स्कूपर जिसको कहते हैं, तो इससे हम खेल करेंगे. और कोरिएंडर के साथ हम क्रीमी चीज़ सॉस बनाएंगे. और जावा फ्रूट, जो हमारा हिंदुस्तानी जामुन कहलाता है, उसकी भी एक सॉस बनाएंगे. सो दैट इज़ द ट्विस्ट. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी. बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ हम करेंगे, जिसमें हमारे पास अकम्पेनीमेंट में टमाटर और प्याज हैं, जिसको मैंने काट के रखा है, इसको साइड में करते हैं. ये मेरे पास कुछ पनीर है जिसको हम बिल्कुल फाइन क्रम्ब कर देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे. ये जो अमूल का पनीर है इसी को मैंने यूज़ किया है, ये क्यूब फॉर्म में आता है, मलाई पनीर. अच्छा है, आप इसको इंडियन ग्रेवी में भी बना सकते हैं, आप इसको कॉन्टिनेंटल स्टाइल में सिर्फ स्टर फ्राई करके, ग्रिल करके भी खा सकते हैं. सो मेनी वेज, द वे यू वांट टू डू सिंपल इजी रेसिपीज फॉलो, मेक योर पीपल हैप्पी, मेक लाइफ इजी. सो दुकान पे जाके आप कद्दू का हिस्सा ले सकते हैं, खुद भी काट सकते हैं, बहुत इजी है. स्किन जो है कद्दू की, नो नीड टू थ्रो दैट अवे, उसको भी हम यूज़ करेंगे. आप बोलेंगे कद्दू को छील के यूज़ करना चाहिए, हम कहेंगे साहब सब कुछ यूज़ करना चाहिए. और दिस विल गिव अ वेरी ब्यूटिफुल क्रस्ट, द कलर टू आर पम्पकिन बटरनट स्क्वॉश जिसको बोलते हैं. तो हमारी नाइफ चला देते हैं इस पर थोड़ी सी. ओके, here we go. So this is the pumpkin जो हम हमारा कद्दू है, इसको हम ये हमने पीसेस कर लिए. इजी है, यहां तक बहुत इजी स्टेप है. और देन वी स्कूप आउट सम बॉल्स फ्रॉम हियर एंड और फिर हम इसमें हम फिल कर देंगे हमारा जो कॉटेज चीज है. इजी, देसी सब्जी भी थोड़ा स्टाइल से खाएंगे.
ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिटेरेनियन स्टाइल का ही कद्दू खाएं, हम इसको अपने हिसाब से भी आप यू कैन डू द स्टफ। और ये देखें आप, सो वी हैव टेकन आउट द स्कूप। सो लॉकडाउन में सबने खूब मजे किए। मजे तो क्या सब, देखिए हर तरफ त्रासदी मची थी, लेकिन आई थिंक टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड लाइवली यू शुड कीप डूइंग समथिंग। एंड अमूल गेव अपॉर्चुनिटी टू मैनी पीपल टू बी बिजी एंड डू समथिंग। ईशा डिंगरा जी सेज इन पंजाब वी कॉल इट पेठा। आप जरूर पेठा बोलें इसको, कद्दू बोलें, है तो हमारा हिंदुस्तानी कद्दू। और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कश्मीर में एक डेजर्ट बनता है इससे, मुस्लिम घरों के अंदर बनता है, बहुत पुरानी रेसिपी, बहुत ट्रेडिशनल है, जिसके अंदर सरसों का तेल यूज़ होता है। आपको क्विक रेसिपी बता ही देता हूँ जब तक हमारी तैयारी चल रही है। और उसमें करते क्या हैं, उसमें हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 से 2.5 किलो कद्दू लेते हैं, तो उसमें आप करीब 1/2 किलो जो है वो आप गुड़ लेते हैं, उसमें इलायची डालते हैं और उसको बड़ी इलायची उसके अंदर डालते हैं कूट के, और उसको धीमी आंच पे 2.5 से 3 घंटे तक पकाते हैं। बिल्कुल लसलसा हो जाता है, सूख जाता है और सिर्फ चाशनी वाला कद्दू आप खाते हो। एंड दैट इज़ द अमेजिंग यम डेलिकेसी ऑफ श्रीनगर। बहुत पुरानी रेसिपी है, कभी वो भी करूँगा आपके साथ। आज अपने देसी स्टाइल का कद्दू इंग्लिश स्टाइल में खाते हैं और मज़े करते हैं। ये देखें, नो रॉकेट साइंस टिल हियर। अच्छा, हमने करना क्या है बेसिकली, ये जो हमने किया इसके बाद इसको हम चाशनी में उबाल देंगे और इसका गुलाब जामुन बना देंगे, कद्दू के जामुन बना देंगे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, क्यों आप परेशान हो रहे हो, हर चीज़ थोड़ी ना गुलाब जामुन पर जाके टिकती है। सो देर आर कहते हैं खाना खाते समय बनाते समय थोड़ी मस्ती चलती रहनी चाहिए, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई आपका जो दोस्त है शेफ विमल धर, वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, आपको खिलाता भी है, हंसाता भी है। एंड तभी तो आप मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अभी जो लास्ट मैंने एक रेसिपी बनाई थी उसमें मैंने बनाया था पोहे। अब आप बोलोगे पोहों में क्या ऐसा बहुत बड़ा आपने तोप मारा होगा, देखो सिर्फ 2 मिनट की रेसिपी है, कुछ ज़्यादा नहीं जाता। जस्ट हैव अ लुक शेफ विमल धर पोहा, द स्टाइल शेफ विमल धर हैज डन इट। खाओगे तो याद करोगे, फिर बोलोगे बताया नहीं आपने। अच्छा, तो अब ये जो हमारा कद्दू है इसको हम मैरिनेट कर देते हैं। मैरिनेट कैसे करेंगे, सिंपल है शेफ, व्हाट आर यू मेकिंग? आई एम मेकिंग कद्दू एंड कॉटेज चीज के स्टेक्स, पम्पकिन एंड कॉटेज चीज स्टेक्स। इजी टू गो, वेरी डिफरेंट रेसिपी, जिसमें जामुन का सॉस है मेरे पास, और देन मेरे पास कोरिएंडर का चीज सॉस है, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास जो है कॉटेज चीज, ये मैंने इसको बुरक के रख लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, मेरे पास ये थाइम है, आप कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हो। आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करना चाहो फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करो, आप इसमें सिर्फ करी लीव्स का फ्लेवर देना चाहो तो ड्राई करी लीव्स का आप क्रश करके फ्लेवर दे सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश कर रहा हूँ, थाइम यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत बढ़िया जो है अपन ये प्रिपरेशन अभी करेंगे।
एंड इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा, मेरे पास ये चिली ऑयल है, बहुत बढ़िया, एक चम्मच मैंने चिली ऑयल डाला, और इसमें मैंने क्रश जो है पेपर डाल दिया, काली मिर्च, ठीक है, रॉक सॉल्ट है मेरे पास थोड़ा सा, ये रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। ये जो मेरे पास एकम्पेनिमेंट है ये है प्याज और टमाटर के मैंने थोड़े से वेजेस रखे हैं, इसको भी हम कर लेंगे, और ये जो मेरे पास पनीर है इसमें भी थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे, बिकॉज सॉल्ट विल मेक लाइफ ईजियर एवरीवेयर। इसको अब हम मैरिनेट कर लेते हैं क्विकली क्विकली, क्योंकि इसको हमने अब फटाफट ग्रिल करके पकाना भी है, तो उसमें रोस्टिंग में आपका टाइम जाने वाला है, तो इसको हम रोस्टिंग पे भी डालना है, फटाफट इसको हम मैरिनेट करते हैं और फिर हम इसकी रोस्टिंग पे भी डालेंगे इसको। एक काम आप और कर सकते हैं इसके साथ ही साथ, ये जो है इसको आप थोड़ा सा प्रिक कर दें, बिकॉज काफ़ी मोटा चंक है ना, तो थोड़ा सा अंदर तक चीज़ें जाएं विल बी गुड, बिल केयरफुल व्हाइल यू आर हैंडलिंग द नाइफ। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे स्टेक्स हैं इनके अंदर हम ये पनीर भर देते हैं। आया मज़ेदार, आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलना, सब देखने में इतने बिजी हैं कि मुंह खुला रह गया। ओह माय गॉड, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप बोलते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई बोल रहा है क्या अक्षत? हेलो शेफ। अच्छा थैंक यू, चलो आवाज़ तो आई भाई, मैं तो घबरा गया था कि हम किसी दूसरे पेज पे जाके तो नहीं लाइव कर रहे हैं। ऑल राइट, सो ये देखिए बहुत सिंपल रेसिपी, आई थिंक मुझे तो बहुत सिंपल लग रही है, आई डोंट नो आपको देख के कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही, इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल रेसिपी जिसमें आई हैव टेकन अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ बटरनट स्क्वाश, और उसके साथ में हमारे पास ये कॉटेज चीज़ है अमूल का, जिसको हमने मैरिनेट कर दिया, एंड वेरी इजी टू गो, लुक सिंपल एंड बेसिक भी नहीं लगता कि भाई कद्दू खिला दिया, राइट, सो समथिंग विद अ ट्विस्ट इज ऑलवेज गुड, आंखों को देखने में जो अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। थोड़ा सा पनीर ऑर्डर लेते हैं। गायत्री जी इज सेइंग प्रिकिंग विल आल्सो हेल्प इन कुकिंग फास्ट। सो एवरीथिंग इज साइंस, ये हम सब मानते हैं, कुकिंग इज आल्सो अ साइंस, जहाँ पे कुकिंग के साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को अगर हम ध्यान से करें तो कुकिंग इंटरेस्टिंग होती है, इजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट, प्रोडक्ट भी अच्छा बन के आ जाता है। ऑलराइट, सो हम जो है हमारा अर्चना भार्गव भार्गव जी सेज आई जस्ट सॉ योर पोहा रेसिपी इन यूट्यूब। व्हिच वन? पोहा रेसिपी, बहुत फास्ट। 2 मिनट की तो रेसिपी है। 2 मिनट की रेसिपी, अर्चना जी थैंक यू सो मच, यू विन फ्री व्यूज of my YouTube channel Chef Vimaldhar. Of the next video, I'll share my first video with you before posting it on the YouTube. So that's a promise. Archana ji, aap subscribe kare mujhe, aur I promise that the next video, whichever I post, I'll share it with you first and then I'll post it on the YouTube. That's a promise. And डू शेयर इट विद योर फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनसे शेयर करें। ओके, इधर हमारे पास एक व्हाट यू कॉल दिस,
दिस इज एन एयर फ्रायर आई हैव. एक ये वंडर शेफ का है मेरे पास. नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. मेरे पास ये है पिछले 5-7 सालों से एंड माई वाइफ बॉट इट एंड दिस इज रियली अ गुड गैजेट फॉर रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग. सो ब्यूटिफुल इट इज. इस पे हम प्लेस करते हैं हमारा प्रोडक्ट जो बटरनट स्कॉश है. इसको हम पहले वो कर रहे हैं, सॉरी, विल प्री हीट इट. इसको प्री हीट करेंगे, पैन को ऑन करेंगे, इसको अच्छे से सियर करेंगे. पहले ईशा डिंगरा जी सेज सर आई हैव सीन ऑल योर रेसिपीज. मैडम आप बताने में लेट हो गई थोड़ा सा, अदरवाइज तो क्या था कि मैं आपसे शेयर करता पहले. चलो आप नेक्स्ट टाइम आप पहले हैंड्स अप करना एंड देन आई विल मेक अ प्रॉमिस टू यू आल्सो. वैसे आपके कहने पे मैंने कुकिंग एक ग्रुप पे आपने मुझे एक लाइव करने के लिए कहा था एंड आपके कहने पे मैंने वो किया. सो आई हैव मेड माय प्रॉमिस देयर एज वेल. ऑलराइट, सो ये है मेरे पास. अर्चना भार्गवा जी शेयर्ड हर नंबर. ओके, ये मेरे पास गार्लिक अमूल का हर्ब बटर है. सो इट इज एक्चुअली नाइस, वेरी ब्यूटिफुल बटर. अटरली बटरली बटर का जो बटर होता है ना, ये वो वाला जो बटर है. हा 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 हा, इसको हमने डाला इधर और पैन को हमने इससे नाइस. कद्दू के स्टेक्स ऐसे कभी सोचे थे आपने? सच बताइएगा. फ्लेम शुड बी रियली हाई और इसको हाई फ्लेम पे कलर हम इसका बैक साइड का लेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा सियर करेंगे. देन वील पुट इट इनसाइड दी अवन. आप चाहें तो इसको पैन में भी स्लो रोस्ट करके कुक कर सकते हैं, बट वेन वी हैव समथिंग विद अस वेयर द कुकिंग कैन बी लिटिल फास्टर, हम उसको ऐसे कर लेते हैं. ऑलराइट, ये दूसरा पैन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो चलिए ये भी बना देते हैं इसका अकम्पेनिमेंट. अकम्पेनिमेंट के लिए मेरे पास ये चिली ऑयल है. आप भी अपना चिली ऑयल बना सकते हैं. ऑयल को थोड़ा सा गर्म करिए, उसमें जो कश्मीरी मिर्च सूखी या पीली मिर्च जो है, अच्छा सांस रहा है, उसको आप उसमें गर्म तेल को बंद करें, ठंडा करें. ठंडा करने से पहले आप उसमें ये आपकी लाल मिर्च डाल दीजिए, बॉटल को बंद करके रख दीजिए. इसके जो एक्सट्रैक्ट है चिलीज के, वो ऑयल के अंदर ईजीली धीरे धीरे आ जाएंगे. सुनीता शर्मा से अक्षत बेटा रीड आवर कमेंट. सॉरी आई डिडंट सी योर कमेंट. यू ऑलवेज मस्ट. गायत्री जी सेज गार्लिक बटर स्मेल्स अमेजिंग, अ ग्रेट वे टू इंडल्ज सी गार्लिक एंड हर्ब फ्लेवर्स इन द पंपकिन. यस यस यस, ऑलवेज ऑलवेज. यू कैन ऑलवेज सी हियर द गार्लिक, इट्स बटर इज गेटिंग लिटिल नॉइज़, जो ब्राउन कलर जो आना शुरू हो जाता है ना, वो आ गया. एंड फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट गेटिंग द कलर इन द पंपकिन एज वेल. हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, जैसा रखा था वैसा ही रखना है, सो दैट वी गेट अ ब्यूटिफुल कलर ऑन द सरफेस. फ्लेम टू बी ऑन अ हाई साइड. कॉन्टिनेंटल कुकिंग में आपको जो ध्यान रखने की चीज है, दैट इज नॉट टू मच ऑफ लिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग एंड यू नो पैन स्टरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. यू नीड टू मेक श्योर दैट वन साइड इज प्रॉपरली हैज अ गुड कलर एंड द क्रस्ट इज टेकन अ ब्यूटिफुल कलर एंड देन यू कैन चेंज द साइड.
Look here. Look here. The beautiful color. Caramel जो कलर आएगा ना इसका वो इसी से आएगा. Here. Look at the onions here. Beautiful. See the plumbing. आप रेस्टोरेंट में देखते हैं ये हो गया आपके सामने. Not a big deal. Easy. इस स्टेज पे क्या करेंगे, गार्लिक को हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे. नाइस. नाउ लुक एट द साइज. गुड. सी. नाइस. सो इस स्टेज पे हमने अब यहाँ पे भी हम ध्यान रखना, अब फ्लेम हम थोड़ा सा कम कर देंगे. राइट. थोड़ा पड़ेगा थाइम बिकॉज द फ्लेवरिंग इज टूवर्ड्स थाइम जो हम कर रहे हैं. और थोड़ा सा गार्लिक बटर. ब्यूटिफुल गार्लिक फ्लेवर. ओके. अब हम प्रणव दास जी इज आस्किंग सर दी स्टेक्स आर रियर मीडियम और एल्स. दे विल बी एब्सोल्युटली वेल कुक्ड एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स बट विल ट्राई टू डू इट मीडियम टू रेयर. मीडियम टू वेल सॉरी. ऑलराइट. हियर सो वी हैव to put our here inside this. Look at the beautiful color. Nice. Akshay, is it nice? It looks amazing. Okay. Tempting. Okay, now the temperature 200 degrees. The temperature will be high only. For 9 minutes is good and we'll allow it to get cooked, roasted properly. We'll save this oil, the butter. And here, this is, this needs more stewing. So, okay. So we'll allow it to cook on a slow flame only for some time. Meanwhile, we'll clean our table. And Akshay, these pumpkin noises, इनको भी हम साथ ही साथ इसी में डाल देते हैं, पक जाएंगे. और ओके, सो हमारा accompaniment जो है ये रोस्ट अनियन एंड टोमेटोज इन थाइम, पम्पकिन एंड कॉटेज चीज स्टेक अंदर है, और ये है हमारी धनिया और हरी मिर्च. बना लेंगे इसकी थोड़ी सी देसी एक चटनी. ओके, तो चटनी के लिए क्या करेंगे हम,
हम ले लेंगे हमारा ब्लेंडर और चिलीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. आई वॉन्टेड टू गो लिटिल इंडियनाइज्ड क्योंकि मैंने पनीर भी खिला रहा हूँ आपको, कद्दू भी खिला रहा हूँ, तो थोड़ी चटनी भी खिलाऊँ और चीज़ भी खिलाऊँ. ईशा डिंगरा जी से इज़ अमेजिंग, संध्या श्रीवास्तवा जी से इज़ लुकिंग यम्मी एंड मेरी खिंचाई हो गई है. अक्षत प्लीज़ रीड कमेंट्स. किसकी खिंचाई किसने करी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला. ओके नाउ दिस इज सम वाटर एंड ओके नाउ आई क्विकली ईशा ढिंगरा कैसे दिखाई क्या कमेंट थी. अच्छा ओके. गायत्री जी सेज आज मैम नहीं आई. मैम आज आराम से बैठ के अपने आराम गाह में वो वीडियो देख रही है, शायद कमेंट करेंगी अभी कि विमल सर तुम टेबल साफ नहीं करते, साफ करते इसमें. भावना वासन जी सेज हेलो शेफ. हेलो भावना जी, कैसे आए तुम्हें, कुठे आए. ओके ब्यूटीफुल. 6 मिनट्स टू गो. ओके ये जो है हमारी सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल परफेक्टली टाइमली जा रही हैं. नाउ दिस इज व्हाट इज दैट, जामुन. सो जामुन को मैंने उसका पल्प निकाल के उसको शुगर के साथ ब्लेंड किया, रिड्यूस किया एंड यू कैन यूज एनी कंसिस्टेंसी. यू कैन कॉल इट एज ए कूली ऑफ जामुन और इंडियन व्हाट यू कॉल दैट. जामुन को क्या बोलते हैं, जामुन को क्या बोलते हैं आप बताइए सब, मैं गूगल करके बताता हूँ. जामुन, जामुन इज इंडियन, जामुन का इंग्लिश नेम व्हाट यू कॉल दैट, जामुन इज ब्लैक प्लम और जावा प्लम. सो कई बार दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, गूगल इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, सो नो शेम. So Java plum cooling and you can use this as a reduction. I you think can... he said jamun compote. Jamun compote is easy, but cooling is something, you know, very trendy, smart. So yeah, so ab hamare paas jo hamara ye sauce ready hai, pudine ki chutney, isko hum कर लेते हैं फिनिश, हम इन सीजन करते हैं. तो ये जो हमारे पास व्हाट यू कॉल दैट द बटर, द लेफ्ट ओवर ब्राउन बटर, उसमें ही हम थोड़ा सा क्या करेंगे, विल हीट इट अगेन. कोरिएंडर सॉस जो हमने चटनी बनाई है हम उसको इसमें डालेंगे एंड देन वी हैव द चीज सॉस जो अमूल का चीज सॉस है. आई विल शो यू द फ्लेवर्स. इसमें मिंट का, कोरिएंडर का फ्लेवर अच्छा है एंड इफ यू रियली वांट टू गिव सम मोर बॉडी यू कैन मेक अ रू, जो वाइट सॉस जिसको आप कहते हैं वो भी बना सकते हैं, फिनिशिंग के लिए उसको डाल सकते हैं. बट आई विल कट ऑन द टाइम और आई विल सेव ऑन द टाइम. आई विल यूज दिस कोरिएंडर चटनी एंड दिस ब्यूटिफुल अमूल का जो सॉस है, चीज सॉस, ये मैं ले लूँगा.
beautiful color. See, what you can also do, आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा चीज़ को ग्रेट करके भी डालना चाहें, if that suits you, अगर आपको कैलोरीज पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट नहीं है, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप डाल सकते हैं. संतोष धर, माइंस वॉचिंग, यमी होगा. मम्मी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है. रिंकू सिंघा जी आस्क्स, जामुन के साथ क्या मिलाया है सर, प्लीज बताइए. नहीं बताऊंगा. अच्छा बता देता हूँ. मैंने जामुन को लिया, थोड़ी सी शक्कर डाली, मिक्सी में ब्लेंड किया, एकदम स्मूथ ऐसे ही हो जाता है. आप उसको फिर रिड्यूस कर दीजिए. दिस बिकम्स लाइक दैट, सी नथिंग इज कमिंग आउट. जामुन जामुन चिपक गया. ओके, नाउ दिस इज रेडी, यू कैन कीप इट असाइड. So in continental cooking, western cooking, there are many ingredients जिनको आपको अलग 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 छोटे छोटे patches में बना के रखना पड़ता है. Time देखते रहिए. And Gayatri ji comments, great combination of colors, green will go so well with pumpkin. See, so nice, so beautiful. सोचो आप ये plate के ऊपर आएगा तो कैसा लगेगा. नमक चेक कर सकते हैं. आह, मिर्ची का जो स्पाइस है ना, थोड़ा सा नमक चाहिए बस. नमक हो टाटा का नहीं, अब टाटा का नमक नहीं, अब हम यूज करेंगे रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट. द सॉल्ट विच इज नेचुरल, द सॉल्ट which is not chemically treated. Whenever there is lot of treatment, that is not good. Sauce is ready. All right. So you make sure the pan is clean. All right. आइए अक्षत, पम्पकिन को देख लेते हैं. पम्पकिन के क्या हाल है, बंद हो गया है. हाँ हाँ, लुक एट इट, लुक एट इट. सो कौन कह रहा था, व्हाट इज इट, मीडियम टू वेल, वेल डन, और व्हाट कंसिस्टेंसी, चेक कर लेते हैं. It is cooked and it is medium to well only. All right. अब क्या करते हैं, क्योंकि see some beautiful pumpkins, pumpkin steaks. See, that is not coming out, that means that's medium to well. Hai na? The paneer has come out so beautiful. Look at it. Voila. Kya Italian cooking karenge aap? Hamare apne Hindustani ingredients make so beautiful product. Gayatri ji says it looks so tempting. Kamini ji says hello. Hello. Never too late. Yeah, yeah, absolutely. Okay, and Sunita Sharma ji says we are feeling hungry, chef. Say, please visit. Gaadis are all working. Planes are on. Isha Ringraji says looking good. Santosh Dhar says looking good. All right. So, so now we have even this ready. Our accompaniments.
अब आप कहोगे। सो गाइज हियर वी गो, सिंपल इजी अमूल रेसिपी ऑन योर वे। शेफ विमल आर कुकिंग लाइव फॉर यू। नहीं 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 नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये प्लेट मैंने रखी है, कुछ तो करेंगे। सो इफ यू आर हैविंग ए फैमिली डिनर, अ ब्यूटिफुल लुकिंग बोरोसिल बाउल विद योर रोस्ट पंपकिन एंड कॉटेज चीज स्टिक विद सम असॉर्टेड टोमेटोज एंड रोस्ट अनियंस, सम गार्लिक, योर ब्यूटिफुल कोरिएंडर चीज सॉस। लेकिन अगर आप उसको रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटेड डिनर करेंगे या लंच करेंगे तो उसका स्टाइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सो आइए मिलके साथ में प्लेट करते हैं इसको। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेसिपी शेफ? इट इज पंपकिन एंड कॉटेज चीज स्टिक विद क्रीमी कोरिएंडर सॉस। ओके, एक चीज और करते हैं जो हमने सॉस बनाते थे। व्हाट इज द टाइम नाउ? इट्स 5:40। सो वी स्टार्टेड एट 5:04 एंड इट्स 5:40। सो कितनी क्विकली आपने बनाया हम सबने मिलके। सो दैट मीन्स एक्चुअली में जब आप घर पे करेंगे, जब आप बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे मेरे जैसे, आप इसको और फास्ट 10 से 15 मिनट में बना सकते हो। इज दैट क्विक एंड इजी रेसिपी, राइट? नाउ हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ठीक करते हैं सॉस की। क्या नाम बताया था मैंने अक्षत इसका? कूली। कूली, ओके, वी कॉल इट कूली, जो तुम कहो। We'll call that only. Sunita Sharma says, Chef, we are a fan of your recipes. मैं मस्का मारने से काम नहीं चलेगा। आपको मेरी रेसिपीज को जो YouTube पे हैं, उसको आपने शेयर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सर्कल है आपका। Kindly share it, subscribe it, ask your friends to subscribe, because Vimal Dhar क्या थक रहा है और उसको चाहिए बहुत सारे लाइक शेयर्स बाबाई, क्योंकि अच्छा बनाता है भाई। ऐसी बात क्या कर रहे हो, लाइव में जब इतना अच्छा बनाता है तो सोचो आप वो जब अपनी YouTube पे बनाता होगा तो कितना उसमें जान डालता होगा। I really make sure that the recipes give सुकून to you. You see those recipes and you feel कलरफुल, यू फील एनर्जेटिक, आपको मज़ा आना चाहिए। और वही आता है इन रेसिपीज़ के अंदर। रेसिपीज होनी चाहिए कलरफुल, ब्यूटिफुल, माइंड ब्लोइंग एंड बॉगलिंग। सो आपने, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये अगर स्कूपर नहीं है तो आप वो स्कूप नहीं कर सकते। यू कैन डू द वे यू वॉन्ट टू डू इट। All right. Because it has sugar, तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। All right. Now, even here, it is little thick. इसको थोड़ा सा thin करेंगे। हम हमारी प्लेट को अब सजा देते हैं। सजाने का मतलब सुंदर सुंदर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी यू हैव सम ब्यूटिफुल
caramelized color here on this. All right. खाने को जब तक हाथ नहीं लगे मजा नहीं आता ना. राइट. Isn't it? गिरा भी तो सही जगह ऐसी गिरा कि जाके सेट हो गया. वाह क्यों अक्षत? यस सर. अक्षत ने भी मेरे को सर बोलना शुरू कर दिया. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा. सो हमारा कद्दू, हमारे पनीर, हमारे टमाटर, हमारी चटनी वाली चीज सॉस के साथ में ऐसा दिखता है. कैसा दिखता है हमारे हिंदुस्तान में? ऐसा. और ये बहुत ही खूबसूरत है और हम इसको खा सकते हैं. एक तो ये स्टाइल है, दूसरा स्टाइल करूं? ओके. वाला जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तब बाबा विमलधर बहुत शांत होते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती. एंड वो प्लेट बोलती है फिर, क्योंकि देखिए कद्दू का पीछे वाला पार्ट आपने देखा वो भी पक गया अच्छे से. एंड दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन. जबान भी लड़खड़ा रही. नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स प्लेजेंटेशन. Thank you, Amul. This is your friend Chef Vimal, and all the beautiful viewers out there. Thank you for your patience and seeing me talk and make the plate, Vimaldhar. Thank you.